हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका म्यूजिकल महेश चैनल पर, जहां पर मैं आपके साथ में म्यूजिक की ढेर सारी बातें शेयर करता हूं। और आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में एक नई गिटार की सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो गिटार सीखना चाहते हैं घर पर, तो ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए एक सौगात है कि वो कैसे घर पर बैठे फ्री में विदाउट किसी फिजिकल गिटार टीचर के पास जाकर के म्यूजिक सीख सके। ठीक है, तो मैं आपको गिटार की चीज़ें सिखाऊंगा। और सबसे पहले आज जो ये पहला वीडियो है, ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे गिटार सीखनी है इस चैनल के द्वारा। मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ डालने वाला हूँ इस गिटार की सीरीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात क्या करनी है आपको, सबसे पहले आप एम समझिए। जो मैं जितने भी क्लासेस बनाऊंगा गिटार की, तो उन सब का एम यही होगा कि आप लोग जो है गिटार में परफेक्ट बन जाएं। गिटार में चाहे वो कॉर्ड्स प्लेइंग हो, या फिर लीड प्लेइंग हो, या फिर आप सिंगिंग करते हो, कवर सॉन्ग्स बनाते हो, तो हर चीज़ में आप गिटार में परफेक्ट बन जाए, ये इसका मेन एम है। उसके बाद में क्या क्या टॉपिक्स हम इस पर सीखेंगे गिटार के लिए, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, जैसे गिटार में कॉर्ड्स अपने को सीखनी पड़ती है। उसके बाद में अपने को जैसे स्केल सीखने पड़ेंगे इस तरह से, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, अपने को स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना पड़ेगा। स्ट्रमिंग का मतलब है हम कैसे स्ट्रम करते हैं, जैसे तो इस तरह से ये अपने को स्ट्रमिंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ रिफ्स वगैरह हम सीखेंगे, थोड़ा सा फिंगर प्लकिंग के बारे में भी सीखेंगे, और किस तरह से आप अच्छे कवर सॉन्ग्स बना करके यूट्यूब पर डाल सकें, वो सब चीज़ें भी हम इस सीरीज़ के द्वारा सीखने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से सीखें। देखो, मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ डालता रहूँगा, लेकिन आपको सीखना किस तरह से है वो मैं आपको बता दूं। जब मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, या जब आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, तब आपको क्या करना है कि उस वीडियो को एटलीस्ट एक बार उसको फुली देखना है आपको। उसके साथ में आप प्रैक्टिस नहीं करें प्लीज़, आप उसके साथ में एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब आप उस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिस उसके साथ में नहीं करें। पहले उस वीडियो को सोचें, समझें, उसको अच्छी तरह से सुने कि मैं आपको क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप पहले दिमाग में अच्छी तरह से बिठाइए, उसके बाद में जो है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा और उसको आधा देखा है, उसके बाद में फिर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आधी क्लास के बाद में आपको बता रहा हूँ, वो आप मिस कर जाएं, और फिर उसके बाद में उसको आप कमेंट्स में लिख करके पूछ रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली कमेंट्स रिप्लाई करूँगा, बट आप एटलीस्ट अगर आप गिटार में सीरियस है, तो आपको उस वीडियो को कम से कम एक बार तो फुली देखना पड़ेगा जब आप उसको पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या गिटार में हम इंट्रो के अंदर सीखेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और कौन सी गिटार आपको लेनी चाहिए। अकोस्टिक होती है, इलेक्ट्रिक होती है, और अलग अलग डिजाइन्स होती है गिटार की, वो सब भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए इस म्यूजिकल महेश चैनल के साथ में। इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।